सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिनेश कार्तिक और सहवाज ने आरसीबी को दिलाई जीत, राजस्थान को 4 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। दिनेश कार्तिक और सहवाज की तूफानी बल्लेबाजी से जीता आरसीबी। आईपीएल 2022 के 13वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी ने राजस्थान पर 4 विकेट से जीत दर्ज की। दिनेश कार्तिक 44 की तूफानी पारी और सहबाज अहमद 45 की बेहतरीन बल्लेबाजी की मदद से आरसीबी ने यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया। आरसीबी को जीत के लिए 170 रन चाहिए थे, जिसे उसने आखिरी ओवर की पहली गेंद में हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज और कप्तान डुप्लेसिस 29 और अनुज रावत 26 ने टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विराट कोहली 5 रन में आउट हो गए, जबकि डेविड मिलर अपना खाता तक नहीं खोल सके। वही रदरफोर्ड 5 बोल्ट की गेंद पर नवदीप सैनी को अपने कैच थमा बैठे। इस समय लग रहा था कि यह जीत मुश्किल है, लेकिन कार्तिक और शहबाज की दमदार पारी ने लक्ष्य को आसान कर दिया। आरसीबी की इस जीत में हर्ष पटेल के बल्ले का 9 रन का योगदान रहा। उन्होंने छक्के जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। यूजी चहल और बोल्ट को 2-2 विकेट मिले। वही नवदीप सैनी को 1 विकेट हासिल हुआ। बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 169 रन बनाए थे, जिसमें बटलर ने नाबाद 70 रन की पारी खेली थी। राजस्थान के सलामी बल्लेबाज यशवी जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। वह दूसरे ओवर की आखिरी बॉल में विली के अंदर आती तेज गेंद में बोल्ड हो गए। तीसरे क्रम में बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पांडिकल ने न केवल संभाल कर खेला बल्कि तेजी से भी रन बनाए। पांडिकल ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 37 रन की पारी खेली। हर्षल पटेल की गेंद में उन्होंने कोहली को अपना कैच थमा दिया। इसके बाद कप्तान संजू सैमसन और 8 रन बनाकर चलते बने। वे बॉलिंग कर रहे हसरंगा को ही अपना कैच दे बैठे, लेकिन इस सबके बीच बटलर दूसरे छोर से रन बनाते रहे। उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 6 छक्के की मदद से 70 रन बनाए और अंत तक टिके रहे। पांचवें क्रम में बल्लेबाजी करने आए सिमरन हिटमायर ने भी आरसीबी के गेंदबाज की अच्छी खबर ली। उन्होंने 31 गेंद का सामना करते हुए नाबाद 42 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के जड़े। आरसीबी के तेज गेंदबाज और हर्ष पटेल को 1-1 विकेट मिला, जबकि स्पिन गेंदबाज खसरा B1 विकेट लेने में कामयाब रहे, लेकिन मोहम्मद सिराज और आकाश जी विकेट लेने में असफल रहे। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। और आज के खास खबरों को यही विराम देते हैं। नमस्कार।